कितने बजे निकले थे आप? सवेरे ही निकले हैं सर। सवेरे छह। आपका नाम क्या है? सूरज पाल यादव। सूरज पाल यादव। अच्छा अच्छा, तो कितना खेत है आपके पास? हमारे पास 25 बीघा जमीन है। 25 बीघा? अरे बहुत जमीन है। बहुत। ओहो, तो ये सब धान जितना जो है सब हमारे है। ये सब आपका है जी? अच्छा जी। ये वाला नहीं सर, वो पार वाला। वो पार वाला? वो पार से लेके यहाँ तक है सर, कैंप के तक पूरा। अच्छा जी सर। तो आपका जो है ट्रैक्टर भी चलाते है? ट्रैक्टर सर। ट्रैक्टर कभी चुनाव न के अच्छी हो गया है माहौल, वो भतीजा का मुखिया खड़ा हो गया है वही के चलते। अच्छा अच्छा, ट्रैक्टर से अच्छा होता है कि हर तो होता है? हर फर्क होता है कि सर जितना जाता है तब देहरी छोड़ देता है। अच्छा, अभी से जाता है तो एकदम सब जुटते जाता है, एकदम दिन में देहरी उहरी नहीं छूटेगा। अच्छा, तो क्या क्या आप बोते हो इसमें? इसमें चना लगाते हैं, पहले तो मक्का बुनते थे सर। अच्छा, जब कैंप आ गया है वो घड़ी से मक्का और अरहर बंद कर दिए हैं। क्यों? अभी अगले साल से बुनेंगे सर। कैंप आने से क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ गया कि साहब कह दिए कि हो सकता है कि इधर से आठ पड़ेगा, गर्वादी आ जाएगा। अच्छा, इसलिए एजेंट 3 फीट के पैदा कीजिए। अच्छा अच्छा, अच्छा। ज्यादा लमहर पैदा मत कीजिए। अच्छा अच्छा, छोड़ दिए। ओ जी सर, ठीक ठीक ठीक। और वो बिचला में बीच में भी आए थे तो बोले कि नहीं सब बुनिए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर बुनेंगे। अच्छा, परसली में गेहूँ था। अच्छा अच्छा जी, अभी क्या बीज है? अभी मैं सरसों बुने हैं और चना। अच्छा, चना और सरसों दोनों साथ मिक्स कर? जी हाँ, दोनों साथ होता है जी। अच्छा, तो ये जो है आपका बैल है? हाँ, तो आप इस पे कर रहे हैं? हाँ, दिखाइए हाल। मैं थोड़ा चलाऊं? चलाएगा ये गाय? चलो भाई। अच्छा चलो। जब बोलते हैं जब रुकना होता है तो जी आओ। हाँ जी। अच्छा, तो क्या नाम बताया आपने? सूरजपाल यादव। सूरजपाल यादव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। पिताजी भी मास्टर थे, हेड मास्टर मिडिल स्कूल में। अच्छा अच्छा, फिर एगो भाई मास्टर हो गया है। अच्छा, एगो पुतो मास्टर ही है। अच्छा, एगो भतीजी मास्टर ही है। अच्छा, एगो भाई ठेकेदार है। ठीक ठीक। तो अब लोग जो है वो किसान कौन है फिर, जो उधर वो दिल्ली में बैठे हुए है ना, रास्ता रोक के जी हमको जो है जी ये कानून वापस ले लो, आपका क्या कहना है? आप क्यों नहीं गए उधर धरना लगाने के लिए? ना सर, धरना लगा लिए, इसमें चना सरसों बुन दिया, उधर आलू रोप दिए सर। हाँ, तो जो इसमें जो निकलेगा जा उसको कहाँ बेचते हैं आप? बेचते ना सर, ज़्यादा होता है तो बेच देते हैं बाजार से मालूम है। अच्छा, ज़्यादा कम होता है तो घर ही रहता है। तो यही मार्केट में बेचते हैं जी? हाँ, तो फिर वो तो बोलते हैं कि वहाँ मंडी ले जाना है, ये करना है। वो आगे घर ही से ले जाएगा सर। हाँ, घर ही से। अच्छा, हम लोग मालूम ना ले जाते हैं, घर ही आके ले जाएगा। खाली कह देना है कि इतना हमको सरसों बेचना है, यही बेचना है। हाँ, आगे ले जाएगा। आगे ले जाएगा। हाँ, धान बेचना है तो धान आके ले जाएगा। कहीं मंडी बंदी ना? हम लोग नहीं जाते हैं। तो ये फिर क्या बोलते हैं कि ये कोई खरीदने वाला नहीं आएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब आ जाता है। वो किसान है क्या जी? किसान तो आप है जी, यहाँ अपना काम कर रहे हैं है ना जी। तो वो लोग कौन है? वो ही कौन है सर, हम लोग अच्छी करके ले जाता है सब लोग उर्वरक मिला के। अच्छा, हाँ आ गया। आ गया सर। हाँ चलो थोड़ा चाय पीते हैं है ना, चाय तो पीते हैं ना। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप जैसे किसान मेहनत करने वाले है ना, कुछ देश का रक्षा करने के लिए फौज में आए है ना, अब ये जमीन से जो है मेहनत करके पसीना बहा के पैदा करते हैं और देश को खिलाते हैं है ना, तो बहुत मान करे है आपका, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है।